हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल 21। आज हम मोर्टार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, सो मोर्टार इज़ दी मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड। इट कैन बी 1:2, 1:3, वेयर 1 पार्ट इज सीमेंट और 3 पार्ट और 2 पार्ट में बी सैंड। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सैंड इन मोर्टार? मोर्टार में सैंड का क्या रोल होता है? तो वो हम पॉइंट देख लेते हैं कि आखिर क्या रोल है इसका। कि इट हेल्प्स इन द रीएडजस्टमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ बाय चेंजिंग प्रोपोर्शन। 1:1 हैज़ मोर स्ट्रेंथ देन 1:5। देखिए 1:1 जो है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है रेदर देन 1:5। यहाँ पे 1 क्या है? 1 यहाँ पे सीमेंट है, ठीक है, और बाकी का बचा क्या है? सैंड है। वन रेशियो 5 अगर अपन ले रहे हैं तो 1 क्या है? सीमेंट है, और 5 आपका क्या है? सैंड है। तो जैसे ही आप सैंड की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो ना, तो जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? घटती जाती है। जो स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार घटती जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार क्या है? घटती जाती है जैसे ही आप सैंड की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो। ओके, इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ मोर्टार फॉर द इकोनॉमी। और क्या करता है मोर्टार? और मोर्टार करता है इंक्रीज द वॉल्यूम। वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है मोर्टार के फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी पर्पस से, ठीक है। इट अफेक्ट्स द सीमेंट रिक्वायरमेंट। सीमेंट की रिक्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस श्रिंकेज, ओके, एंड यूनिफॉर्म सेटिंग ऑफ मोर्टार। इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म सेटिंग ऑफ मोर्टार। सैंड से क्या होता है? यूनिफॉर्म सेटिंग हो जाती है मोर्टार की। इट अफेक्ट्स डेंसिटी ऑल्सो, ठीक है, डेंसिटी को भी, ओवरऑल मोर्टार की डेंसिटी को भी ये अफेक्ट करता है। ओके, मोर्टार का कुछ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट। तो जैसे कि अगर लाइट वेट मोर्टार है तो उसका जो यूनिट वेट है वो कितना होना चाहिए? तो 15 kN/m³ से लेस अगर यूनिट वेट है तो उसे लाइट वेट मोर्टार बोलेंगे। वहीं अगर 15 से ऊपर 15 kN/m³ से ऊपर अगर यूनिट वेट है तो उसे हैवी वेट मोटर बोलेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन था, ठीक है। अब मोटर का क्लासिफिकेशन हम एक बेस पे और करते हैं, स्ट्रेंथ के बेस पे। अगर स्ट्रेंथ, यहाँ पे ये टाइप ऑफ मोटर है और ये स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ अगर 10 Nm/mm² से ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम रखते हैं H1 मोटर में, ठीक है। H1 मतलब हाई स्ट्रेंथ मोटर। 6 से 7.5 को H2 में रखते हैं, 3 से 6 को M1 में रखते हैं। M1 स्टैंड्स फॉर मीडियम स्ट्रेंथ मोटर। 2 से 3 को कहाँ में रखते हैं? M2 में रखते हैं, ठीक है। 1.5 अगर स्ट्रेंथ है तो इसको M3 में रखते हैं। वहीं अगर 0.7 स्ट्रेंथ है तो इसको L1 में रखते हैं, लो स्ट्रेंथ मोटर। 0.5 है तो क्या रखते हैं? L2 में रखते हैं। ये क्वेश्चन एक बार अभी SSC में आया था कि जैसे मतलब कि H1 की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कि L1 की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो H1 जो है करस्पॉन्डिंग टू हाई स्ट्रेंथ मोटर, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। L1 जो है करस्पॉन्डिंग टू लो स्ट्रेंथ मोटर, तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो सबसे हाईएस्ट जो स्ट्रेंथ है मोटर की वो H1 में कितनी मिलती है? ग्रेटर देन 10 Nm/mm² 10 Nm/mm², ओके। उसके बाद हम देखते हैं, नोट, हायर द सबस्क्रिप्ट वैल्यू लोअर इज द स्ट्रेंथ। मतलब कि जैसे जैसे हाई सबस्क्रिप्ट की वैल्यू, जैसे H1 और H2 में आप देखिए, H2 का सबस्क्रिप्ट जो है वो 2 है, ठीक है। H2 का सबस्क्रिप्ट 2 है, तो कह रहा है कि हायर द सबस्क्रिप्ट वैल्यू, मतलब हाई H2 लोअर इज द स्ट्रेंथ। मतलब कि H2 का सबस्क्रिप्ट वैल्यू जरूर हायर, बट इसकी स्ट्रेंथ H1 से लोअर होगी,
बस यही बोल रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है नेचर, नेचर ऑफ वर्क एंड टाइप ऑफ मोर्टार, मतलब कि कुछ वर्क है नेचर, कुछ वर्क है टाइप ऑफ वर्क है, और हमें किस तरह का मोर्टार, मतलब कि किस रेशियो का मोर्टार हमें यूज़ करना चाहिए, ये देखना है। तो जनरल आरसीसी वर्क जब होता है, जनरल आरसीसी वर्क के लिए, जनरल आरसीसी वर्क के लिए हम 1:2 to 1:3 का मोर्टार यूज़ करते हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन डीपीसी कर रहे हैं, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स कर रहे हैं, या फिर सीसी रोड बिछा रहे हैं, तो हमें जो सीमेंट मोर्टार का जो रेशियो रखना है वो 1:2 रखना है, जहाँ पे 1 सीमेंट है और 2 क्या है, सैंड है। ये नेक्स्ट है, अगर रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क कर रहे हो आप, वाटर लॉक्ड एरिया में आप मोर्टार का यूज़ कर रहे हो, या फिर पार्टीशन वॉल या पैरापेट वॉल में अगर मोर्टार का यूज़ कर रहे हो जॉइंट्स में, तो आपको क्या करना है, 1:3 लेना है, ठीक है। वहीं अगर आप प्लास्टरिंग वर्क में यूज़ कर रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लास्टरिंग वर्क में अगर आप चिनाई में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 1:3 to 1:4 लेना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। वहीं पॉइंटिंग, पॉइंटिंग जो होती है रेकिंग, पॉइंटिंग फिनिश्ड ज्वाइंट्स करने की प्रक्रिया को अपन पॉइंटिंग बोलते हैं, ठीक है ना, फिनिशिंग के लिए रेकिंग करते हैं अपन, तो पॉइंटिंग के लिए, पॉइंटिंग वर्क के लिए जो अपन यूज़ करते हैं, उसके लिए जो मोटर यूज़ कर रहे हैं वो 1:1 to 1:2 यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो ये इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका 1:1.5 का आप मोटर का भी यूज़ करते हो, ग्राउटिंग केवरस रॉक्स, ठीक है ना, केवरस रॉक्स की ग्राउटिंग के लिए आप 1:1.5 का यूज़ करते हो। 1:6 का यूज़ कब करते हो, स्टोन मैसनरी में प्लस ब्रिक वर्क फाउंडेशन, जहाँ कहीं पे भी जहाँ फाउंडेशन हो रही हो वहाँ पे ब्रिक वर्क की फाउंडेशन हो रही है, वहाँ अपन 1:6 का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे भी स्टोन मैशनरी बन रही है वहाँ पे भी अपन सीमेंट मोर्टार 1:6 का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर स्टोन मैशनरी और ब्रिक वर्क फाउंडेशन में अगर सीमेंट मोर्टार की जगह लाइम मोर्टार का आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको 1:2 लेना है, ठीक है। और 1:2 का कहाँ यूज़ हो रहा है, मोर्टार फॉर लेइंग फायर ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स की लेइंग में, और फायर रेजिस्टिंग मोटर, फायर रेजिस्टिंग मोटर 1:2 का बनता है, जिसमें 1 जो रहता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि इसमें 1 होता क्या है, इसमें जो 1 होता है वो एल्यूमिनियम सीमेंट होता है, और जो 2 होता है वो होता है क्रस्ट पाउडर ऑफ फायर ब्रिक्स, ठीक है, क्रस्ट पाउडर ऑफ फायर ब्रिक्स 2 होता है, ठीक है। 1 क्या होता है, ये होता है, और 2 क्या होता है, ये होता है, 1 होता है एल्यूमिनियम सीमेंट, और 2 क्या होता है, क्रस्ट पाउडर ऑफ फायर ब्रिक्स, ओके, याद आपको रखना है। अब हमें कुछ पॉइंट देखने की, लाइम मोर्टार वर्सेस सीमेंट मोर्टार कौन सा बेस्ट है, और कहाँ इसका यूज़फुल है, कहाँ यूटिलिटी है। सीमेंट मोर्टार अपन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ भी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, जहाँ पर भी आप ब्रिक वर्क कर रहे हो, वॉल बना रहे हो, तो वॉल में ब्रिक वर्क हो रहा है, ब्रिक वर्क में जॉइंट्स हो रहे हैं, जॉइंट्स में स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहाँ पर हम सीमेंट मोर्टार का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लाइम मोर्टार में स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है। रेट ऑफ सेटिंग क्या होती है सीमेंट मोर्टार की, हाई होती है, लाइम मोर्टार की कम होती है, क्योंकि इसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है। सीमेंट मोर्टार में श्रिंकेज ज़्यादा होता है क्योंकि हाइड्रेशन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, लेस, कम होता है। सीमेंट मोर्टार में श्रिंकेज ज़्यादा होगा तो क्रैक्स ज़्यादा होंगे, लाइम मोर्टार में कम होंगे। सीमेंट मोर्टार का रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाटर पेनिट्रेशन मोर है, लाइम मोर्टार का लेस है, ठीक है, क्योंकि ये लाइम मोर्टार अगर पानी के कॉन्टैक्ट में आता है तो मे बी ये मेल्ट भी कर सकता है, ठीक है। सीमेंट मोर्टार की वर्केबिलिटी लेकिन लेस है, लाइम मोर्टार की वर्केबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इसकी प्लास्टिसिटी भी ज़्यादा है, इसकी प्लास्टिसिटी क्या है, लेस है सीमेंट मोर्टार की, और इसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा है इसलिए इसकी वर्केबिलिटी भी ज़्यादा है। सीमेंट मोर्टार की ड्यूरेबिलिटी लेस है, ठीक है ना, वहीं लाइम मोर्टार की ज़्यादा है, ठीक है, याद आपको रखनी है।
नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ डिफरेंट एंड सूटेबल फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट। ओके सो फाइन सैंड के लिए जो वो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है वो 2.2 से 2.6 होता है, मीडियम सैंड के लिए 2.6 से 2.9 और कोर सैंड के लिए 2.9 से 3.2। ठीक है, फाइनेस्ट मॉडुलस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एफ फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स सॉइल, कोर्स ग्रेन, कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट डिवाइडेड बाय फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट माइनस फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो एफ कोर्स है वो मैंने बता दिया, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, एफ एम कम्बाइंड जो है फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कम्बाइंड एग्रीगेट, एम फाइन जो है फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। ओके सो ये आपका फॉर्मूला है, फाइनेस्ट मॉडुलस शुड बी ग्रेटर देन 3.2, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3.2, एफ फाइनेस्ट मॉडुलस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3.2। अगर 3.2 से ग्रेटर होता है देन इट इज़ अनसुइटेबल फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट, देन इट इज़ अनसुइटेबल फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट। ओके फाइनेस्ट मॉडुलस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ पार्टिकल, जैसे जैसे साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, कुछ जोन्स ऑफ सैंड होते हैं, चार तरह के जोन्स हैं सैंड के, जोन 1 टू जोन 4। ठीक है, तो जोन 1 इज़ दी कोर्सेस्ट अमंग ऑल 4 जोन्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होती है वो जोन 4 में होती है। ठीक है, कुछ जोन्स हैं और इनके फाइनेस मॉडुलस की एक टेबल है। ठीक है, जोन 1 का जो फाइनेस मॉडुलस होता है वो 2.7 से 4 होता है, और जैसे कि आपको पता है फाइनेस मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो जोन 4 की जो है जोन 1 इज़ दी कोर्सेस्ट अमंग ऑल द 4, तो जोन 1 की जो फाइनेस मॉडुलस है सबसे ज़्यादा है तो इसकी जो पार्टिकल साइज है वो भी सबसे ज़्यादा है। जोन 2 की जो फाइनेस मॉडुलस है इससे कम है, 2.1 से 3.4 है, तो इसका फाइनेस मॉडुलस जोन 1 से कम है तो इसकी साइज़ भी जोन 1 से कम होगी। फिर जोन 3 की कितनी है, 1.7 से 2.4 है, जोन 4 का सबसे कम फाइनेस मॉडुलस है, तो जिसका सबसे कम फाइनेस मॉडुलस है उसकी साइज़ भी सबसे कम है। ओके सुर्खी मोर्टार, कुछ टाइप के मोर्टार हैं, जैसे सुर्खी मोर्टार इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सुर्खी इंस्टेड ऑफ सैंड, सैंड की जगह हम क्या करते हैं सुर्खी का यूज़ करते हैं, और बाय रिप्लेसिंग हाफ ऑफ सैंड इन केस ऑफ फैट लाइम मोर्टार, मतलब अगर लाइम यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करते हैं हाफ ऑफ सैंड इज रिप्लेस्ड बाय सुर्खी, यूज फॉर ऑर्डनरी मैसनरी वर्क के लिए यूज़ करते हैं, फॉर ऑल काइंड इन फाउंडेशन में एंड सुपर स्ट्रक्चर में। ठीक है, मैसनरी वर्क में यूज़ करते हैं फॉर एंड इन फाउंडेशन वर्क। ठीक है, कैन नॉट यूज़ फॉर प्लास्टिंग और पॉइंटिंग, प्लास्टिंग और पॉइंटिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं सिंस सुर्खी इज लाइकली टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि जो सुर्खी है वो मतलब कि डिसइंटीग्रेट कर जाता है आफ्टर सम टाइम मोर्टार में, इसलिए हम क्या करते हैं इसको प्लास्टिंग और पॉइंटिंग वर्क में यूज़ नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि सुर्खी का यूज़ अपन फाउंडेशन वर्क में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, एंड सुपर स्ट्रक्चर में, ऑर्डनरी जो कि ऑर्डनरी मैसनरी वर्क है जो ज़्यादा खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट जो इम्पॉर्टेंट प्लास्टिंग वर्क है वहाँ हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। फिर अपना गॉज्ड मोर्टार है, गॉज्ड मोर्टार क्या होता है, लाइम सीमेंट का मोर्टार होता है, इसमें लाइम भी होता है सीमेंट भी होता है, ठीक है, और सैंड तो है ही, ठीक है, तो इसको कंपोजिट मोर्टार भी बोला जाता है। क्यों यूज़ करते हैं, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइम मोर्टार एंड टू अचीव अर्ली स्ट्रेंथ, द सीमेंट इज समटाइम्स एडिड टू इट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गॉजिंग। लाइम मोर्टार में हम थोड़ा सा सीमेंट मिला देते हैं जिससे कि क्या होती है स्ट्रेंथ अर्ली अचीव हो जाती है, ठीक है ना, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गॉजिंग, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड लाइम एंड सीमेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। ओके, इट मेक्स लाइम मोर्टार इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग एंड डेंस, क्या करता है ये लाइम मोर्टार को इकोनॉमिकल बना देता है, स्ट्रॉन्ग भी बना देता है और डेंस भी बना देता है। ओके यूजर प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट टू लाइम बाय वॉल्यूम, सीमेंट टू लाइम का जो जनरल प्रोपोर्शन होता है 1.6 से 1.8 होता है। मड मोर्टार,
इन मड प्लास्टिंग आफ्टर टू कोट ऑफ प्लास्टिंग ए वॉश ऑफ अर्थ काउ डंग एंड सीमेंट इन रेशियो 3:2:1 प्रोपोर्शन इज डन। मतलब कि मड मोर्टार में क्या होता है, तीन पार्ट जो होता है वो अर्थ का होता है, टू पार्ट काउ डंग का होता है, वन पार्ट क्या होता है सीमेंट का होता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर क्योरिंग, क्योरिंग इसमें रिक्वायर नहीं होती, बट शुड बी अलाउड टू ड्राई इन शेड फॉर 3 to 4 days। 3 to 4 days की ड्राइंग चाहिए होती है, इसमें क्योरिंग अलाउ नहीं होती है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ प्लास्टर फिनिश। कुछ टाइप्स ऑफ प्लास्टर फिनिश हैं, जैसे कि स्मूथ कैसेट फिनिश, इसमें क्या करते हैं फाइन सैंड यूज़ करते हैं 1:3 में, श्रिंकेज फ्लोट और वुड फ्लोट का भी इसमें यूज़ होता है। रफ कास्ट फिनिश, जिसे स्पैटर डेस्ट फिनिश भी बोला जाता है, इसमें कोर्स एग्रीगेट विद सीमेंट एंड सैंड का यूज़ होता है, ट्रॉवल वुडन फ्लोट का भी यूज़ होता है। नेक्स्ट वी हैव सैंड फेस प्लास्टर फिनिश, इसमें क्या होता है स्क्रीन सैंड अप्लाइड ऑन द सेकेंड कोट, ठीक है, इसमें स्किमिंग फ्लोट का यूज़ होता है। देन वी हैव पेवल डैश प्लास्टर फिनिश, इसमें 12 mm मोर्टार लेयर अप्लाइड आफ्टर फर्स्ट प्लास्टिंग। देन पेवल्स ऑफ साइज 10 mm टू 20 mm आर डैश्ड, इसमें अब वुडन फ्लोट का भी यूज़ होता है। नेक्स्ट वी हैव स्क्रैप्ड प्लास्टर फिनिश, इसमें फाइनल कोट इज स्क्रैप्ड अप टू 3 mm, स्टील ब्लेड और प्लेट स्क्रैप का भी यूज़ होता है और लेस लाइबल टू क्रैक, इसमें क्रैक्स कम आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसके वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। देन वी हैव प्लास्टर कोटिंग, वुड सरफेस पे हम 3 coats करते हैं, मेटल सरफेस पे हम 3 coats करते हैं, स्टोन मैसनरी पे 2 coats करते हैं, ब्रिक मैसनरी पे 2 coats करते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में 1 coat करते हैं, कितनी कोट हम करते हैं ये आपको याद रखनी है। प्लास्टिंग कैन आइदर बी डन इन सिंगल 2 or 3 coats, ठीक है, ये नोट में है, ठीक है। फर्स्ट कोट जो होती है वो अंडर कोट होती है, जो कि 10 to 15 mm की होती है। सेकंड कोट जो होती है वो फ्लोटिंग कोट होती है, जो 6 to 9 mm की होती है। ये आपको याद रखनी है इसकी, कि फर्स्ट कोट 10 to 15 mm होती है, सेकंड कोट 6 to 9 mm होती है। एक तीसरी कोट भी अपन करते हैं जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। वन मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटर जो होता है, 1.25 meter cube ऑफ ड्राई मोटर होता है, ये याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल्स में याद आएगा, यूज़ होगा। जैसे आप सीमेंट सैंड का रेशियो बना रहे हो, ठीक है, तो आप ड्राई केस में क्या करोगे, अगर 1 meter cube का मोटर चाहिए तो 1.25 meter cube का मोटर आपको इन वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा, तब आपको 1 meter cube का वेट मोटर मिलेगा, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्ट ऑन मोटर, सॉल्ट का मोटर पे क्या इफेक्ट होता है, पेस्ट में डिसइंटीग्रेट, पेस्ट क्या कर सकता है, डिसइंटीग्रेट कर सकता है। इफेक्ट ऑफ ऑयल, इट रिटार्ड्स द सेट ऑफ सीमेंट एंड रिड्यूसेस स्ट्रेंथ। ऑयल क्या करता है सीमेंट पेस्ट में, वो सीमेंट मोटर में, ये रिटार्ड कर देता है सीमेंट की सेटिंग को और रिड्यूस कर देता है स्ट्रेंथ को। इफेक्ट ऑफ शुगर क्या करता है, डिले सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है, डिले कर देता है। एडिशन ऑफ लाइम क्या करता है, इट इंक्रीजेज द प्लास्टिसिटी ऑफ मोटर, प्लास्टिसिटी बढ़ा देता है, इंप्रूव्स वर्केबिलिटी। लाइट वेट मोटर क्या होता है, सॉडस्ट और डस्ट पाउडर का यूज़ कर रहे हैं प्लस लाइम और सीमेंट मोटर का यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लाइट वेट मोटर। फायर रेजिस्टिंग मोटर में एलुमिना सीमेंट का यूज़ करते हैं प्लस फाइनली ग्राउंड चाइना क्ले का यूज़ करते हैं, चाइना वेयर्स विथ वाटर का यूज़ करते हैं। सुर्खी टू सीमेंट मोटर क्या करती है, इम्पार्ट्स फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, सुर्खी क्या करती है, फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करवा देती है। सुर्खी टू लाइम मोटर क्या करती है, इम्पार्ट्स हाइड्रोलिसिटी, हाइड्रोलिसिटी मतलब कि सेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर या फिर नमी में प्रेजेंस में क्या करती है उसको सेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हाइड्रोलिसिटी बोलते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन द वाटर लॉक्ड एरिया, सीमेंट और लाइम मोटर क्लास ए ऑफ प्रोपोर्शन 1:3 का यूज़ करते हैं, हमने ये पढ़ा है, वाटर लॉक्ड एरिया में। द मेन टू यूज़ लाइम मोटर इन सीमेंट स्लरी ड्यूरिंग द प्लास्टिंग इन द टॉप कोट इज मेक द प्लास्टर नॉन सिंकेबल। लाइम क्या करता है, अगर सीमेंट स्लरी में मिला रहे हैं तो ये क्या करता है, श्रिंकेज को पैदा नहीं करता है, ठीक है ना, नॉन सिंकेबल प्लास्टर को बनाता है। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 4 to 6% बल्किंग ऑफ सैंड हो जाती है, ठीक है ना। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है कि जिसमें सैंड के आसपास क्या होता है, एक फिल्म बन जाती है मॉइस्चर की, जिससे वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज हो जाता है सैंड का, ठीक है ना। उसको वो किस वाटर कंटेंट पे होता है, 4 to 6% वाटर कंटेंट पे होता है। प्लास्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पारगेटिंग, प्लास्टिंग को पारगेटिंग भी कहा जाता है। इट इज़ डेकोरेटिव और वाटर प्रूफ प्लास्टिंग अप्लाइड ऑन द वॉल्स
ओके द बाइंडिंग मटेरियल इन द मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स. बाइंडिंग मटेरियल में जो द बाइंडिंग मटेरियल इन द मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स. तो यहीं पे आपका मोटर एंड होता है, ठीक है ना. इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जल्दी मैं इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आने वाले समय में दे दूँगा. ओके, थैंक यू.